मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। पीपल का पेड़ यानी कि गांव में सबसे पुराना पेड़ ये पेड़ होता है और उसके पास अनुभव होता है। सदियों से ये पेड़ उगता है और उसके बाद अपनी जड़ों में ज्ञान को समा लेता है। वैसे ही ज्ञान इंसानों में उम्र के साथ आता है और हम जब चुनावी कवरेज करने निकले हैं तो निचला गढ़ पिनवाड़ा आबू के क्षेत्र में, इस विधानसभा निचला गढ़ पे अभी हमें सर्कल पे है, वहाँ पर हम यहाँ के बुजुर्गों से बात करेंगे जिनकी शाखाओं से अनुभव और अनुभव से भी ज़्यादा ज्ञान है इनके पास। तो जानते हैं क्या अनुभव है। कौन हो मैं थोड़ो बैठो अच्छा बैठा। मेरा नाम रहमा राम है, मैं सूरदास हूँ। हाँ, बिल्कुल टोटली ब्लेंड। हाँ हाँ, और निचलागढ़ में रहता हूँ, तीसरा वार्ड में। तो ये बताइए सूरदास जी, थोड़ा कौन काम करे ना कौन नहीं करते। काम हमारे अभी तो वर्तमान में तो अच्छा ही चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारी समस्या, समस्या हमारी ऐसी है कि पूरे बाकर क्षेत्र की समस्या, आज युवा पीढ़ी के लोग जो ये हाईवे पर हमारे नाला होना चाहिए, क्योंकि पूरा बाकर इसमें 24 गांव हैं, 24 गांवों के लोग, युवा पीढ़ी के जवान हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर नाला होना ज़रूरी है, क्यों कि वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं और हमारे जाते आते युवा पीढ़ी के कई लोग मर भी गए हैं। लेकिन क्या करें, वहाँ युवा पीढ़ी के लोगों को तो मजदूरी करने के लिए आब रोड जाना ज़रूरी होता है। इसी कारण से हमारे भाकर, पूरे भाकर क्षेत्र का निवेदन है कि हमारे हाईवे पर नाला होना चाहिए। अच्छा, नाला न हो तो हमारे युवा पीढ़ी के लोगों को, अभी 10-15 घटना ऐसी हो चुकी है, अभी तक कोई ध्यान दे रहा नहीं। तो इसीलिए आप कुछ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब गवर्नमेंट से हम ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी के लोग, नाला का क्या नाम है सुधा जी? नाला अपने वो हनुमान टेकरी। अच्छा, हाईवे हमारी रोड। क्या नाम है आपका? धर्माराम जी। हाँ जी, तो धर्माराम जी एक बात बता रहा हूँ, थे कतरा वर्ष थे रह रिया थे मुद्दा का है थोड़े गाँव में रहा थोड़े निचला गढ़ मुद्दा का है का परेशानी थोड़े परेशानी तो मोरे घनी का है बता रहा हूँ। एकदम डूंगरा में रहे हूँ, खेती तो हो गए मामोली, वावरो खेते तो है ही नहीं, मारे जमीन दे पथरा थे देख जाके हमें थोड़ी थोड़ी डोगली पाठान भी जाही इन्हें में कोई कॉम चालू हो तो वो कोई ठाई बच्चों ने कोई डोगली मोटे ने कोई सिनाई करी के कोई गवर्नमेंट सहायता दे कोई सहायता नहीं देती दे, ठीक ठीक दिए कोई ठिकाना नहीं कोई ठिकाना नहीं। हाँ नहीं, हमारा समारा में आवे कि नहीं आता? समारा तो आवे नहीं, बोलो जय हनुमान टेकरी पर जो नाला है उसकी बात करे आप? ना ही नाला तो क्या नाला पुलिया है ये पुराना पुलिया डूबा गया। उसे क्या परेशानी उधर क्या परेशानी उसका? मेरे को आप परेशानी डूबा आधा पुलिया गया। अब वो पुलिया होना चाहिए। चलिए और किसी से हम यहाँ बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम नगराम है। नगराम जी थोड़ा सा नगराम जी बैठने का क्या है उम्र का तक आ जाए तो नगराम जी क्या करते हैं आप? मैं सर पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने बीएड की है तो बीएड की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, सरकारी सर नौकरी की आवश्यकता है ऐसा? जी जी जी। अच्छा, यहीं के निवासी है? हाँ, मैं निचलागढ़ का ही हूँ। निचलागढ़ का जी। अच्छा, क्या आसपास ही युवा के और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, निचलागढ़ के लोगों की क्या समस्या है? सर युवा के मुद्दे ये हैं कि सभी युवा हमारे भाकर क्षेत्र में पढ़े हुए हैं, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी तक मतलब नौकरी से वंचित हैं। वो एग्जाम भी दे रहे हैं लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली है। एक तो ये मतलब समस्या है। और अभी हमारे भाकर की समस्या देखी जाए तो
एक सर हमारे जो बत्तीसा बांध आ गया, जैसे पहले दिलदर से हम सीधा यहाँ मल्ला आ रहे थे, तो दिलदर में हमारी अभी जो तहसील भी बन गई है, लेकिन आने जाने का रास्ता बहुत मतलब दूर है, जैसे हमको मतलब दिलदर के लिए घूम के आना पड़ता है, यहाँ रास्ता होता तो हम मतलब नज़दीक ये मतलब तहसील मुख्यालय पे नज़दीक जाते, तो ये हमारे समस्या है। और एक सर बड़ी ये समस्या है कि यहाँ पे मतलब दवाई के लिए जो मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है तो ये मतलब बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मतलब हॉस्पिटल हो तो मतलब वो बढ़िया रहता। तो अभी आप लोगों को बड़ी कोई समस्या हो तो कहाँ जाना पड़ता है? अभी सर हम बाजार आबू रोड जाते हैं, यहाँ मतलब आबू रोड ही जाते हैं, ऑप्शन यही है आबू रोड है जी। यहाँ से कितना किलोमीटर है आबू रोड? सर 20 किलोमीटर है यहाँ से। कोई भी समस्या होती है तो आपको यहाँ से आबू रोड 20 किलोमीटर? हाँ, कोई भी समस्या होती है तो 20 किलोमीटर मतलब जाना पड़ता है। अच्छा।